इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ डिफेंस अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे HAL को लेके बात करते हैं, जिसमें PTI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग HAL एक लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पे काम कर रहा है, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए। ये एक AI ड्रिवन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म रहने वाला है, स्पेशली जो इसका डेवलपमेंट है वो LSC को देखते हुए किया जा रहा है। सो, इस रिपोर्ट में जो UAV का नाम है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑफिशियल के द्वारा कि जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 40 kg की होगी, जिसमें वो मिसाइल और सेंसर दोनों को कैरी कर पाएगा। तो इस पेलोड कैपेसिटी के अंतर्गत रोटर विंग में HAL एक UAV पे काम कर रही है, जिसको हम RUAV के नाम से देख चुके हैं एयरो इंडिया के टाइम पे। तो यहाँ पे RUAV की ही बात हो रही है, जिसका जो डेवलपमेंट है स्पेशली LSC के लिए हो रहा है। तो इस UAV को लेकर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मेडन फ्लाइट टेस्टिंग होगी वो 2023 के Q2 में शुरू होने वाली है, और इस तरह के तकरीबन 60 के नंबर में जो ड्रोन है वो इनिशियल पहले फेज में प्रोक्योर होगा, ऐसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो अगेन, जो यहाँ पे UAV के नंबर हैं आर्म्ड फोर्सेस में, उसके रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, और उसको देखते हुए जितने प्लेयर आगे आके ड्रोन को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उतना आपके लिए सही है। HAL यहाँ पे ये भी देख रहा है कि वो इजरायली हीरोन TP को भारत में मैन्युफैक्चर करे एक कोलैबोरेशन में। सो, उसका जो प्रोक्योरमेंट नंबर होगा वो क्या होगा उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हीरोन TP की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो HAL करने को तैयार हो रहा है। अगेन, हीरोन TP को लेके हम सभी जानते हैं कि जो मैक्सिमम फ्लाइट ऑल्टीट्यूड है वो 35,000 feet का है, जहाँ पे जो एंड्योरेंस है वो 45 hours के अराउंड डिलीवर करता है। ये भी एक MLE है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज के कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे भी SATCOM दिया गया है। दूसरी तरफ, हम सभी अवेयर हैं कि भारत देख रहा है 30 के नंबर में जो मल्टी मिशन आर्म्ड ड्रोन है US के प्रेडेटर के रूप में, तो उसका भी जो 30 का नंबर है वो प्रोक्योर हो सकता है, जो टॉक्स थे वो फाइनल स्टेज में थे। सो, ये कुछ जो डेवलपमेंट है UAV फ्रंट पे आर्म्ड फोर्सेस के लिए वो चल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे जो हमारे लिए की डेवलपमेंट है वो RUAV को लेके है। फ्लाइट टेस्ट यहाँ पे 2023 के मिड में कंडक्ट होंगे। यहीं पर हम बात करेंगे एक और की डेवलपमेंट के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं डिफेंस में आत्मनिर्भरता को बूस्ट करता है। सो, यहाँ पे पहली बार किसी US नेवी शिप को भारत में MRO दिया जा रहा है, और इसके लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है L&T के साथ, L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड के साथ। सो, US नेवी के इस कॉन्ट्रैक्ट को L&T ने जीता था, और यहाँ पे पहली बार जो उनका कार्गो शिप है चार्ल्स ड्रीम, उसको भारत लाया गया रिपेयर के लिए। तो लगभग 11 दिन तक जो ये रिपेयर वर्क है वो यहाँ पे चलेगा, और जो इस तरह का इवेंट है वो भारत की जो ग्लोबल शिप रिपेयरिंग मार्केट है उसको एडवांस करने जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपके इंडियन शिपयार्ड हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव शिप रिपेयर मेंटेनेंस वर्क है और सर्विसेज हैं ऑफर करते हैं। और यहाँ पे कहीं की जो टेक्नोलॉजी का हाथ है वो भी काफ़ी की रहा है। पिछले एक दशकों में कई सारी जो टेक्नोलॉजी है, मरीन टेक्नोलॉजी, वो अप्लाई की गई है MRO वर्क के लिए, और उसे का ये रिजल्ट है कि इस तरह के जो बड़े रिपेयर वर्क हैं वो आपको दिए जा रहे हैं रेप्यूटेड नेवीज से। सो, यहाँ पे इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं की इंडो US डिफेंस रिलेशन को भी आगे बढ़ाएंगे और मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि डिफेंस के दूसरे क्षेत्रों में भी जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका भी US के साथ अच्छा चल रहा है। हाल ही में हमने देखा था एयरवर्क्स के साथ, जहाँ पे तमिलनाडु बेस्ड एयरवर्क्स ने बोइंग के साथ मिलकर जो P8I हैं उनका MRO किया था भारत में। सो, आपकी जो शिप बिल्डिंग क्षमता है और MRO की क्षमता है वो ऑलरेडी हम ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं। भारत में अभी फिलहाल 6 शिपयार्ड हैं जो मेजर शिपयार्ड हैं, और नियरली $2 billion के अराउंड जो टर्नओवर है वो डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पे भारत अपनी जरूरतों के लिए शिप है वो तो बना ही रहा है, लेकिन दूसरे पेट्रोल वेसल्स हैं वो भी हमने बना के डिलीवर किए हैं वियतनाम और मालदीव जैसे कंट्रीज को। और L&T के शिपयार्ड को ये डील देने से पहले एक जो रिग्रेस इवेल्युएशन है, टेक्निकल इवेल्युएशन, वो US नेवी के द्वारा किया गया था L&T के शिपयार्ड का, कि इनके पास वो क्षमता है भी या नहीं, और प्रॉपर इवेल्युएशन करने के बाद ही ये जो रिपेयर वर्क है इस वेसल का वो दिया गया है L&T को। तो कहीं ना कहीं इस तरह का इवेल्युएशन है वो L&T के मॉडर्न इंफ्रा को भी रिकॉग्निशन देता है, जो कि एक इंडिकेशन है कि भारत की भी जो कंपनियां हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में जो इस तरह का डेवलपमेंट है वो भी एक बड़ा अचीवमेंट आप कहोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।